5-6 लोग बैठे हैं, कई लोग अभी हमारे यहाँ लीडर्स यहाँ आते हैं एक ग्रुप में बैठे हैं, तो बट क्योंकि ज्यादा देर उसको डुबो कर रखेंगे तो क्या ज्यादा कलर भी निकलता है, ज्यादा क्वांटिटी चीजें निकल जाता है। उसका मतलब ये नहीं उसको संभाल के रखना है, कॉफी हम लोग संभाल के रखते हैं उसको मोड़ के कई बार रखते हैं, ओके तीन तीन चार चार कप बनता है तो छोटा कप रहता है तो यूज कर सकते हैं, बट उसको इस तरीके से मार्केट पे रिकमेंड मत कीजिए। उनको बोलिए कि सर ये एक सैशे एक वन टाइम यूज यूज एंड एक बार उसको लिख करके यूज किया, अगली बार 25 सैशे 25 दिन चलेगा, एक महीना में चल गया, एक महीने में इतना बड़ा बजट, कोई बड़ा बजट नहीं, आराम से एक व्यक्ति कंज्यूम कर। हाँ उसको ये रेकमेंड इस तरीके से करेंगे, आप घर पे बैठ रहे हैं 3-4 कप भी बन जाता है, अगर आप घर पे बैठ रहे हैं तो बन सकता है, आप बना के देखिएगा, ज्यादा देर उसको डुबो कर रखना, और ऑफिस वगैरह में टाइम नहीं। तो ये जो यूज करने का तरीका है इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ताकि इसलिए क्या है थोड़ा हाई प्रोफाइल लोग जो बोलते हैं इसको अभी मैं संभाल के कार रखूंगा नहीं सीख पानी चाहिए, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं नहीं, ओके तो इसको बोलो थोड़ा सा हम इसको चेंज करिए। नेक्स्ट हमारा चाय है हमारा ग्रीन टी, ग्रीन टी के बारे में दुनिया को बताने की जरूरत है, ग्रीन टी लोग जानते हैं ठीक है, वेट लॉस के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं, स्ट्रेस रिलीफ के लिए यूज करते हैं, अपने आप को हेल्दी मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, बट इसका जो टेस्ट है ग्रीन टी का वो थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा मतलब ग्रीन टी जो है वो जनरली जो है पत्ता निकाला जाता है, पत्ता निकालने का अच्छे तरीके से इसको सुखाया जाता है, उसको जो अच्छे तरीके से सूख जाता है वो ब्लैक टी बनता है, सूखने से पहले एक एक्स्ट्रा पीरियड रहता है वो जो निकलता है वो हमारा ग्रीन टी है। ओके ग्रीन टी के बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं, आपको क्या करना है ब्रांड चेंज का, सिर्फ ब्रांड चेंज, एक ग्रीन टी भी आपको 9 रुपए में आपको मिलता है एक सैशे, ब्रांड चेंज कैसे करना है, लोग बाहर फर्स्ट क्वालिटी ग्रीन टी पी रहे उनको ये जाके नहीं बोलना आप एक आर क्वालिटी पीते हो या ऐसा पीते हो वैसा पीते हो, ठीक है वो ऑलरेडी पी रहे उनको जाके बोलना सर आप ग्रीन टी पी रहे हो अच्छी बात है, बट आपको सिर्फ ग्रीन टी का ही फायदा मिलता है, मैं आपको एक ऐसा ग्रीन टी देता हूं जिसमें गैनोनमा करके फूड भी डाला उसमें 400 से ज्यादा परसेंट तो है, तो आपको डबल फायदा मिलता है, ग्रीन टी प्लस गैनोनमा और भी इकोनॉमिकल रेट में आराम से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है 2 रुपए में आपको एक सैशे महंगा सस्ता और अच्छा क्वालिटी का। तो मार्केट में ग्रीन टी अवेलेबल है बट हमारे पास गैनोडर्मा डालते हैं, मार्केट में गैनोडर्मा डालते हैं ग्रीन टी अवेलेबल, तो हमें सिर्फ ब्रांड चेंज करना है, इसके रेट्स हैं 8 रुपए का डिब्बी रह जाता है ठीक है। नेक्स्ट अब एक चाय अनुभव ना सर के ग्रुप में अब एक बार हमने बात किया ये चाय कैसे प्रमोट करते सर, सर पीने वाली चाय तो है अभी हमने इसका बड़ा नाम सीख किया क्या खाने वाली चाय अच्छा तरीका लोगों को अलग लगना चाहिए, जैसे लोग पूछेंगे उसमें भी मसाला है इसमें मसाला फर्क क्या है, ये खाने वाला चाय है वो पीने इसको जनरली एक दाने की तरह होता है, इसको आप वैसे जीम में लगा के या हाथ में लगा के ऐसे खाएंगे तो इसका अच्छा टेस्ट आता है, मतलब इसके अंदर पुदीना मिंट भी डाला है, तो इसमें जब इसको आप बनाएंगे इसको गर्म पानी में मत बनाएंगे, अभी इसका एक मैं कैसे लोगों को बताता हूँ, देखो ये चाय बनाने के लिए गर्म पानी चाहिए ओके, अब गर्म पानी हर जगह अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो ट्रेन में जा रहे हो अभी नहीं है उसके पास गर्म पानी तो क्या करेंगे, क्योंकि आपके पास पानी का मोटर रहेगा तो पानी के मोटर का सैशे 10 स्पाइसी टी का अगर सैशे आप डाल देंगे तो इस तरीके के सैशे रहते हैं 10 सैशे रहते हैं एक में 10 सैशे इसमें आप डालेंगे तो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसका जो टेस्ट है जैसे आप जलजीरा का पानी वगैरह पीते हैं उसका एक टेस्ट है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, तो जनरली आप जो कई लोग वाटर बॉटल लेके घर से निकलते हैं तो उस वाटर बॉटल में लिमजी स्पाइसी टी 2 सैशे 3 सैशे को डाल के देखिएगा कितना डालना है, एक टेस्ट करना चाहिए उस हिसाब से आप डाल के उस पानी में रखिए, तो आप पानी भी पिए साथ में पेट के लिए एक अच्छा पानी, तो वो फायदा इसमें इसमें भी अलग अलग तरीके के मसाला इसमें वैसे हाथ में भी डाल के इसको खा सकते हैं ठीक है, इसमें गर्म पानी की जरूरत नहीं है, गर्म पानी से भी यूज कर सकते हैं बट बेटर टेस्ट आपको आना है, कभी मेहमान आ गए घर पे तो उनको एक अच्छा ठंडा पानी भी गर्मी का सीजन है ठीक है, और उन्हें थोड़ा सा उनको ठंडा देना है तो उनको क्या करना है ये खिला के जाएगा उनको भी अच्छा है और पेट को भी बहुत कूल रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ रिंग है कोकोजी, कोकोजी में गैनोडर्मा है कोको है और स्किम्ड मिल्क डाला है, स्किम्ड मिल्क मतलब हमारे शरीर में दो तरीके के फैट
जाते हैं एक वे अनवांटेड फैट जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, एक हमारे शरीर को फैट चाहिए हो वो जाते हैं। तो हमारे शरीर को जो फैट नहीं चाहिए वो फैट्स मिल्क में से निकाल देगा, मिल्क में दोनों तरीके के फैट्स वो निकाल देते। तो मेन जो फैट है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है वो निकालने के बाद जो मिल्क बचता है उसको स्टिमुलेट वो मिल्क पाउडर डाला जाता है और कोको डाला जाता है। कोको अपने आप में एक अच्छा इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद करता है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी की बढ़ाने में कोको पाउडर और क्या नॉर्मल स्पेल डालता है, क्योंकि प्योर कोको आप यूज करेंगे इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, एनहांस करता है, इसलिए इसको कोको जी को आप जब भी यूज कर रहे हैं स्पेशली हेल्थ ड्रिंक एज ए बच्चों के लिए, बड़े बच्चे भी यूज कर सकते हैं, 60 साल के बच्चे 70 साल के भी यूज कर सकते हैं, लेडीज भी यूज कर सकती है, सब लोग यूज कर सकते हैं। आपको एक अच्छा इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, कोको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, एक फैशन में इसको भी कहते हैं 100 ml 150 एनर्जी की, इसका अच्छा टेस्ट आता है। ओके, उस तरीके से आप यूज कीजिए। और जनरली इसको जब हम कई लोगों का रिजल्ट बताया, वो बताते हैं लेडीज आके बताती है कि हमारा बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से मैं इसको हॉस्पिटल ही लेके जाए। सर रीजन क्या है, इम्यूनिटी वीक है उसका, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि कोकोजी के अंदर जीएन सबसे ज्यादा है, गैनोरमा में जीएन सबसे ज्यादा डाला है, तो ऑक्सीजन टैंक कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करता है और बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ ड्रिंक है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, डेनोशी प्लस टूथपेस्ट।